देखिएगा भाई यहाँ पर हुक्का भी ट्राई कर रहे हैं काफी को अच्छा मतलब लगता है आइडिया तो बर्थडे पार्टी वगैरह करने के लिए बहुत ही अच्छा गैस जैसे कि हमारे को तो ये गैस हम लोग का चिकन नूडल्स आप लोग रोक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ यहाँ मेनू बहुत बड़ा है देखो चिकली पप खा रहे हैं बहुत मस्त टेस्टी है बहुत लजीज है कैंडिल है डिनर है ना वैसा आपको फीलिंग होने वाला है हेलो एवरीवन आई एम जय वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तो अभी गाइस रोड के के पास पास कॉलेज यहाँ पर आपको नया रेस्टोरेंट खोला उसी में ले जाने वाले हैं यहाँ पर आप, आप लोग देखिएगा सीमेज कॉलेज है इसी के साइड में आप लोग देखिएगा ला फ्यूमे रेस्टोरेंट खुला है तो इसी यहाँ को ले जाने वाले हैं क्या क्या अंदर दिखने वाला है अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं तो अंदर आ गए हैं देख लीजिए यहाँ रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ काफी खूबसूरत है ये बिलिंग काउंटर है और आप लोग देखिएगा यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ आप है आपको बैठ के दिखाते हैं कैसा दिखने में लगता है साइड में यहाँ पर देखिएगा मॉकटेल बार है पटना में तो भाई अल्कोहल अलाउ नहीं है बट बाकी जो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो तो ये हम लोग मॉकटेल बार देख सकते हैं मोकल बार है पट्टा में तो अलाउड नहीं है इसलिए मोकल से ही आपको काम चलाना पड़ेगा काफी खूबसूरत इंट्रिय डिजाइन है तो एंट्री करते ही हम लोग को एक दो सेल्फी पॉइंट देख गया है यहाँ पर भी आप लोग बैठ के फोटो सेल्फी ले सकते हो मोटल के साथ अपना टेस्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छा मेरे को मेरे... अभी इस एरिया में बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है अभी तो आपको अंदर का भी दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर आप लोग आराम से बैठ के पीछे फोटो सेल्फी ले सकते हैं चेयर को हटा के भी अपना एक क्लिक करवा सकते हैं बहुत ही अच्छा है अभी अंदर लेके चलते हैं आपको तो ये एंट्री का गैस था अब अंदर लेके चलते हैं यहाँ पर ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है लगा हुआ है वो ये देखिए क्या डिजाइन है यार मतलब आपको कैंडिल डिनर है ना वैसा आपको फीलिंग होने वाला है तो कपल या फैमिली हर कोई आ सकता है ऐसा स्पेशली नहीं सिर्फ कपल के लिए है यहाँ पर तो भाई आप लोग कपल ही आ सकते हैं क्या खूबसूरत डिज़ाइन है देख लीजिए वो बहुत अच्छा लग रहा है ये आपको बता दे रहे हैं ऐसा नहीं सोचे कि स्पेशल लगाया गया ये हमेशा ऐसा ही लगा ही रहेगा वेलेंटाइन डे में सब सजाया जाता है लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसा ही लगा रहेगा तो यहाँ पर आके भाई फ़ोटो सेल्फी भी आप लोग ले सकते हो और खाने का लुप्त उठा सकते हो एक अलग से सेक्शन भी है स्मोकिंग के लिए बर्थडे जोन उसको बोल सकते हो स्मोकिंग रूम बोल सकते हो बाकी इधर भी अगर फैमिली लोग आ रहे हैं ज़्यादा फ्रेंड है तो इधर भी बैठ सकते हैं देख लीजिए तो कितना भी कोई अगर आप लोग दोस्त आते हैं कम से कम दस या पंद्रह बीस रहेंगे तो आराम से यहाँ पर हो जाएंगे और अलग से भी एक रूम है उसके लिए वो चल के आपको दिखाते हैं ये पहला सेक्शन है एक दूसरा सेक्शन तो इधर का जो सेक्शन है ये आप लोग बहुत खूबसूरत मेरे को लग रहा है जो लगा हुआ है पर्दे जैसा ऐसा मत सोचिएगा वैलेंटाइन डे के लिए है हमेशा ही लगा रहेगा तो कपल के लिए बहुत ही अच्छा ये एरिया मेरे को लग रहा है आपको कैसा लग रहा है बताइए तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे को तो ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप दूसरा लेके चलते हैं वहाँ बर्थडे पार्टी और कर सकते हैं आप लोग उसका लेकिन चार्ज लगता है चलिए आपको चल के दिखाते हैं चलिए तो यहाँ पर आपको लेके चलते हैं पार्टी वाला जो दिखा देते हैं आपको ये देखिए स्पेशल बनाया गया है वो क्या खूबसूरत है ये लीजिए पूरा अंधेरा हो गया देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है यार पार्टी करने में तो बहुत मजा आने वाले डिस्को एकदम डीजे से पूरा पूरे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ सोनी का लगा हुआ फिर से आपको बता रहे हैं तो पूरा एक्सपीरियंस को बहुत मजा आने वाला बर्थडे पार्टी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं ओनली बाकी तो बहुत बढ़िया है देखिए बर्थडे पार्टी यहाँ पर होते रहता है ये लगा हुआ है और काफी बढ़िया है फ्रेंड सर्किल यहाँ पर आप लोग आके इंजॉय कर सकते हो स्मोकिंग वगैरह करना तो यहीं पर आपको करना होगा बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है बर्थडे पार्टी वगैरह करने के लिए बहुत ही अच्छा गाइस जैसे कि मैंने देखा डिम लाइट वाला अंधेरा में तो बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है कोई भी फ्रेंड है यहाँ पर अपना सर्किल आ सकते हैं स्मोकिंग वगैरह करना है तो बाहर बिल्कुल आपको अलाउ नहीं मिलने वाला और दूसरी बात है कि यहाँ पर हुक्का का आपको फैसिलिटी मिलने वाला है हुक्का का इसके पहले भी बना चुके हैं बट यहाँ पर आपको हुक्का के साथ पूरा एक रेस्टोरेंट मिल रहा है वहाँ पर सिर्फ हुक्का का था यहाँ पर तो आपको सब कुछ मिलने वाला है और बहुत मिनिमम रेट रखा गया है एक ऐसा बीस आराम से इसमें बैठ के आप लोग इंजॉय कर सकते हो मतलब फ्रेंड सर्किल बहुत ही आपको मजा आने वाला है ऐसे तो चेयर वगैरह रहते तो लगता है कि ऐसे ही कोई बैठे हुए हैं भाई जब ऐसे कोई बैठा दिया बट इसमें आप लोग पूरा रिलैक्स करने वाले हो आराम से लेट कर सो कर गप कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो फूड यहाँ का मेन्य और आपको थोड़ा दिखा देते हैं कितना रेट रखा गया मतलब मिनिमम यहाँ पर है उतना ज्यादा चार्ज नहीं है तो ओवरऑल गाइस यहाँ का आपको दिखा दें इंटरव्यू बहुत ही खूबसूरत लगा यहाँ टोटल दो सेक्शन मिल गया एक बाहर के लिए एक अंदर के लिए फैमिली वाला आ रहे हैं तो उधर भी इंजॉय कर सकते हैं ऐसा नहीं है कोई रोक टो के यहाँ फैमिली नहीं आ सकते हैं बट ये खासकर दोस्तों के लिए ही बना हुआ है बर्थडे पार्टी वगैरह करने के लिए तो ये जो पार्टी के लिए गाय सेक्शन बना हुआ इसका आपको चार्ज लगने वाला फ्री में नहीं है मतलब यहाँ पर आपको सिक्स देना पड़ेगा एक घंटे के लिए एक घंटे से कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे अगर मेरा ब्लॉग आप लोग देख कर आते हैं तो आपको शायद कुछ और डिस्काउंट मिल जाए तो चलिए अब यहाँ का मेनू आपको दिखा देते हैं तो ये गाइस यहाँ का मेनू देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत है नाम भी लिखा हुआ है रेस्टोरेंट का अब आपको दिखा देते हैं थोड़ा आप लोग रोक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ यहाँ मेनू बहुत बड़ा है देख रहे होंगे आप लोग सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पर मेन हम लोग बिरयानी में आएंगे ये देख लीजिए ये आपको शायद ही किसी रेस्टोरेंट में जैसे बोरिंग में कहीं मिले ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है फाइव सेवेंटी फाइव ओनली में आपको वेज वाला मिलने वाला है और नॉन वेज रहेगा सेवन नाइनटी नाइन बट इसमें आपको ऑप्शन रहेगा चूज करने का आप लोग दे सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है तो ये वाला भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये बहुत अच्छा पार्टी वाले तो इसी को आप लोग लेकर चलिए बाकी यहाँ पर देख लीजिए तो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है वेज जो खाने वाले हैं उनको सिर्फ नाइनटी नाइन रुपीज लगने वाला है और नॉन वेज लीजिएगा तो वन फोर्टी नाइन ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है वन परसेंट का आपको बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफर है और दूसरी बात आपको ये बता देते हैं अगर जोमेटो वगैरह पर आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं तो जोमेटो मतलब कुछ भी आप लोग ऑर्डर कुछ भी आटम कर ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके साथ एक आइटम आपको कुछ फ्री मिलने वाला है अब क्या मिलेगा वो मेरे को पता नहीं यहाँ के ऑनर ही इनको पता होगा लेकिन आपको बता रहे हैं जो कुछ है उसका अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला जो उसके साथ मिलेगा आप लोगों को थोड़ा यहाँ का साउंड सुना देते हैं कैसा आवाज करता है धम धमधम आपको लग रहा है वैसे ही लगा हुआ है बट बहुत अच्छा म्यूजिक है हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं तो कैसा उनको यहाँ का चले तो गए ले का टेस्ट लग रहा है कैसा यहाँ का टेस्ट लगा जबरदस्त एकदम क्या यहाँ पर खा चुके हैं अभी है, हम यहाँ पर हर डिश ट्राई किए हैं सबसे जबरदस्त यहाँ का डिश हमको लगा चिकन तंदूरी ललीपॉप और बहुत सारे डिश है जबरदस्त एकदम टेस्ट ऐसा पटना में कहीं नहीं मिलेगा यहाँ का

ठीक है दस के दस रेटिंग है लेकिन दस में से आठ जरूर देंगे खाना ऐसा नहीं बोले कि खराब लगा अच्छा लगा रेटिंग दिए है दस वाला भैया देंगे फाइव स्टार होटल ही को <laughs> की नहीं। बात फाइव स्टार की नहीं है बात है की फाइव स्टार तो पहले हम जाते नहीं है ठीक है सबसे पहला बात नॉर्मल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग उस फर, उस कंडीशन पे ही फॉलो करते हैं ठीक है तो सिंपल सी बात है एक अपना होता है ना मोटो बस उसको हम डिस्क्राइब किए और कुछ नहीं है थैंक यू आपको कैसा लग रहा है भैया बहुत मस्त लग रहा है तो हाँ तो हम तो खाई वे करते हैं पर डे ये मेरा भाई है ठीक है टेंथ क्लास से पढ़ रहा है अभी तो टेंथ में ही है श्योर मैट्रिक एग्जाम चल रहा है बट तो ये जहानाबाद से बस एक्चुअली यहाँ पे मतलब मसौड़ी सा गाँव हो गया मसौड़ी से यहाँ पर डे खाने के लिए ही आता है बस पर डे मसौड़ी से हम कॉल करते तो पर डे मसौी से बस खाने के लिए यहाँ पे आता है हाँ जबकि मैट्रिक एग्जाम चल रहा है और ये बात फैक्ट है मैट्रिक एग्जाम चल रहा है इसका एग्जाम दे भी रहा है अपियर कर रहा है और खाने के नाम लेते हैं तो बस लाफूम में आया लाफूम में खाएंगे उसके बाद फिर आता है। तो यहाँ के भाई लोग से रिव्यू ले गया खाने का बहुत ही उनको अच्छा लगा बोले कि हमेशा के यहाँ पर खाते रहते हैं मतलब की इतना अच्छा लगता है कि बार बार आके खाते हैं और एक तो बाहर से भी आके यहाँ पर पटना में खाते हैं एग्जाम चल रहा है इसलिए बार बार यहीं पर आते हैं पटना में और रेस्टोरेंट कैफे है बट स्पेशली यहीं पर आते हैं समझिए उनको इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पर आना पड़ता है तो आप लोग भी एक बार जरूर आइए फ्रेंड के साथ आइए कपल के साथ आइए फिर फैमिली के साथ आइए यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करिए बहुत आपको अच्छा लगने वाला है और बर्थडे पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा स्पेस बना गया ये जो खास का रूम है ये बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा है तो देखिएगा भाई यहाँ पर हुक्का भी ट्राई कर रहे हैं काफी उनको अच्छा मतलब लगता है आइडिया बाकी तीन को तो ठीक से नहीं आता है हुक्का लेकिन ये भाई लगता है इनको पूरा आइडिया है भाई तो हुक्का का जो आपको चार्ज आ बहुत कम यहाँ पर रखा थ्री फिफ्टी ओनली लगने वाला है मतलब स्टार्टिंग आपको लगना है थ्री फिफ्टी को हुक्का यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं जो जिनको हुक्का पसंद है यहाँ पर जो भी गाय हुक्का का आप लोग फ्लेवर लेना चाहते हैं बिल्कुल तंबाकू फ्री रहेगा क्योंकि बिहार में देखिए बंद है इसके कारण स नहीं तो मिल जाता बाकी आप लोग अगर बिहार के बाहर जाइए तो मिल जाएगा बट यहाँ पटना बिहार में कहीं भी आप लोग हुक्का में जाइएगा तो आपको तंबाकू फ्री मिलने वाला है तो ये गाय हम लोग का चिकन नूडल्स तो अभी इसको ट्राई करते हैं हमेशा लोग बोलते हैं कि बार बार तुम सिर्फ बिरयानी ट्राई करते हो तो चिकन नूडल्स ही खाते हैं यहाँ पर और जैसा कि भाई लोग का रिव्यू लो तो उनको भी बहुत अच्छा लगा जैसे मैंने बताया वो बोल दिया कि बार बार यहाँ पर आके खाते हैं एक का तो टेन का एग्जाम चल रहा है कि वो बार बार यहीं पर आके खाते हैं पटना में जो कि इस एरिया में बहुत सारा कैफे रेस्टोरेंट है चलिए तो फाइनली अब यहाँ से निकलने वाले हैं गाइस तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को शेयर करिए ओके बाय टेक केयर